ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम बात करेंगे पितृ दोष निवारण के उपाय, पितृ दोष के लक्षण, क्योंकि पितृ पक्ष बीत गया है, अब अंतिम अमावस्या का दिन बचा है, तो आप अमावस्या तिथि के दिन ये उपाय करके पितृ दोष से निजात पा सकते हैं, पितृ दोष से छुटकारा पा सकते हैं। तो अमावस्या के दिन आप जरूर करना, चूकना मत, पितरों को शांत करना, पितरों को प्रसन्न करना। दोस्तों, पितरों की आत्मा की शांति के लिए और उनका आशीर्वाद पाने के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, दान पुण्य आदि करना चाहिए। पितरों के नाराज होने पर ही पितृ दोष लगता है, पितृ दोष के कारण जीवन कष्टों से भर जाता है, कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आप वीडियो को ध्यान से सुनकर, ध्यान से समझकर, अब जो दो दिन बचे हैं अमावस्या की तिथि है, उस दिन ये उपाय आप करना, आपका पितृ दोष दूर हो जाएंगे, पितर शांत होकर पृथ्वी लोक से गमन करेंगे। तो पहले बात करते हैं पितृ दोष होने पर हमें कैसे मालूम चले कि हमारे ऊपर पितरों का दोष लगा हुआ है। तो यदि किसी जातक की कुंडली में पितृ दोष है तो जीवन में कई कष्ट आते हैं और पितृ दोष के कारण शादी में, विवाह में बाधा आती है, विवाह में देरी होती है, पितृ दोष के कारण वंशवृद्धि रुक जाती है, ऐसे में संतान प्राप्ति में बाधा आती है या संतान रास्ता भटक कर गलत रास्ते पर चली जाती है, पितृ दोष के कारण धन हानि होती है कि बेवजह धन हानि हो रही है, तरक्की में रुकावट आ रही है, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और कमाते कमाते ही परिवार की आर्थिक स्थिति नहीं सुधर रही है, तो आप समझ जाना कि पितृ दोष लगा हुआ है। बार बार बेवजह झगड़े हो रहे हैं परिवार में तो पितृ दोष लगा हुआ है। परिवार का कोई सदस्य तनाव में रहता है या बार बार बीमार हो रहा है या रोजगार उसको नहीं मिल रहा है, नौकरी की तलाश में भटक रहा है, तो आपके परिवार पर या आप पर पितृ दोष लगा हुआ है। तो आप अमावस्या के दिन पितरों को खुश करने के लिए ये उपाय आप अवश्य करें। दोस्तों, ध्यान से सुनना, क्योंकि पितृ दोष बहुत ही कष्ट भरा होता है, दर्द भरा होता है। पितृ दोष से छुटकारा पाने के लिए आप थोड़ा जल लें और काले तिल लें, इनको लेकर आप किसी भी पीपल के वृक्ष के पास चले जाएं और पीपल के पेड़ में जल में काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा में अर्घ्य दें और अमावस्या के दिन पिंडदान, दान दक्षिणा आदि अवश्य करें। आपके पितर प्रसन्न होकर इस पृथ्वी लोक से मृत्यु लोक में जाएंगे और आपको अपार आशीर्वाद देकर जाएंगे। तो आप अमावस्या के दिन जल में काले तिल मिलाकर पीपल के वृक्ष में अर्घ्य दें और अपनी जो भी कष्ट है वो अपने पितरों से कहें कि हे पितृदेव, हमसे जो भी गलती हुई उसके लिए क्षमा प्रार्थी है, अब हमें कष्टों से मुक्ति दें और हमें खूब धन धान्य का आशीर्वाद दें, हम आगे से कोई भूल चूक नहीं करेंगे। तो ये आप उपाय अमावस्या तिथि के दिन अवश्य करें। ओम नमः शिवाय हर हर महादेव।